तो 120 नंबर में से अगर आप 36 नंबर ले आते हो तो आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 120 में से 30 नंबर लाने होंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 34,000 है, फाइनल सैलरी आपके 82,000 के आसपास होती है। नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे लगभग 12,000 पदों पर आने वाली एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर आपको यह भी बताऊंगा क्वालिफाई करने के लिए किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितने नंबर लाने होंगे, साथ ही पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज के बारे में तो हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी के थ्रू एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 12,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों ने आरटीआई लगाई थी जिसमें रिप्लाई आया है कि लगभग 12,000 के आसपास एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 8,000 प्लस वैकेंसीज तो आनी ही है, चाहे आप देख लीजिएगा। इस बार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियली 27 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इसका एग्जाम ऑफिशियली अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, ये एक लेवल 1 की पोस्ट है, 1800 रुपए गेट पे वाली पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल, 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10 पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, ये एक सिंगल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सैलरी के बारे में बात करें, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 34,000 है, फाइनल सैलरी आपके 82,000 के आसपास होती है। देखिए दोस्तों, एक लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन होने के बाद 34,000 सैलरी आपको मिल गई है। बहुत ही बेहतरीन सैलरी इस पोस्ट के ऊपर अब मिलने लग गई है, क्योंकि अब आपका डियरनेस अलाउंस 50% हो चुका है आपकी बेसिक सैलरी का, इसी वजह से आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक एग्जाम के ऊपर टिका हुआ है, जो कि 2 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। सेशन फर्स्ट में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आपका मैथमेटिक्स है, जिससे केवल 20 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए मैथ सेक्शन आपका 60 नंबर को हो जाता है। दूसरा रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। सेशन फर्स्ट को सोल्व करने के लिए 45 मिनट आपके पास रहेंगे। और एक खास बात यह है कि सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो सेशन फर्स्ट है ना, ये दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे ना 120, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ ऑलरेडी सेट कर रखी है एसएससी ने। जनरल वालों को 30% मार्क्स लाने होंगे सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अगर सेशन फर्स्ट 120 नंबर का है तो 120 नंबर में से अगर आप 36 नंबर ले आते हो तो आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 120 में से 30 नंबर लाने होंगे, एसटी एससी वालों को 120 में से 24 नंबर लाने होंगे। अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो आप इजीली सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे और आप तुरंत सेशन सेकंड में एंट्री कर जाओगे। सेशन सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसी के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सेशन सेकंड टोटल 150 नंबर का है। देखिए दोस्तों, सेशन सेकंड में एक सब्जेक्ट आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के अंदर। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर सेशन सेकंड एग्जाम में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 नंबर का सेशन सेकंड है। वही 45 मिनट दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा। और दोस्तों, सेशन सेकंड के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन पर एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के 4-5 दिन के बाद ही आंसर की जारी कर दी जाती है। उसके कुछ दिन बाद आपका डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, फाइनल मेरिट जारी की जाती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। और ये फाइनल मेरिट केवल सेशन सेकंड के एग्जाम के बेसिस पर बनेगी, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी। ये फाइनल मेरिट आपकी आउट ऑफ 150 नंबर में से बनती है। ये फाइनल मेरिट आपकी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज बनती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ को जोड़ जाएगी, बिहार से जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ को जोड़ जाएगी। एमटीएस के साथ साथ हवलदार की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन इस वीडियो में केवल हम एमटीएस की पोस्ट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये इकलौती सिंगल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। हवलदार में आपको फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है, और वैसे भी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती है, हवलदार की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कम निकलती है। क्लियर हुआ डाउट? दोनों पोस्ट काफी हद तक सिमिलर है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर करना पड़ेगा, दूसरा इंग्लिश के ऊपर करना पड़ेगा,
करिएगा, इंग्लिश में वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फेज, स्पेलिंग, चेक्स के ऊपर फोकस करिएगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक जी के ऊपर प्रायोरिटी पे रख के फोकस करिएगा, साथ ही आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लास्ट डेढ़ साल के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। हर एक शिफ्ट में आपको लगभग 7 से 8 करंट अफेयर के क्वेश्चन गारंटीडली देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो जल्दी आ रही है, वेट करिए। जो प्रोफाइल का आपको पता ही होगा दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट भी कहा जाता है या फिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट भी कहा जाता है, यानी कि आपको मल्टीटास्किंग का काम करना होता है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर फाइलिंग रिलेटेड आपको काम करना होता है, साथ ही आपको डेटा मेंटेनेंस का काम करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम आपको करना होता है, ठीक है। ऑफिस सेक्शन के अंदर जो स्टाफ होता है या फिर बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, आप उनको असिस्ट करने का काम करते हो। क्लियर हुआ डाउट? जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही रहेगी। फॉर्म फीस आपको पता ही होगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं, फीमेल एसटी एससी पेज वालों के लिए कोई भी फॉर्म फिल चार्ज नहीं किए जाते। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट को क्रैक करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है। क्लियर है? यानी कि आप एमटीएस की पोस्ट के थ्रू भारत के बहुत बड़े बड़े मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। आप डायरेक्टली सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हो, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस टाइप के डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए और डिटेल्ड के साथ जानकारी के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ भी बता रखी है, ठीक है, और डिपार्टमेंट भी आपको बता रखे कौन से डिपार्टमेंट के अंदर फाइनली सिलेक्शन होगा। ये वीडियो इसलिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर सकूं, थोड़ा एक्टिव कर सकूं कि भाई वैकेंसी आपकी आ रही है और इस बार गारंटीडली बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 1500 में वैकेंसीज नहीं होगी, इस बार आपको बड़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी और ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियली 27 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये एकदम ऑफिशियल डेट है जो कि हाल ही में 1-2 दिन पहले एसएससी ने अपने रिवाइज एग्जाम कैलेंडर में जारी करी, और एग्जाम डेट भी देख लीजिए, आपका एग्जाम 1 अक्टूबर-2 नवंबर में कंडक्ट कराया जाना है। तो दोस्तों, अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछिएगा, आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वरना सोनू हेलाथ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और हां, आपसे अलविदा लेने से पहले इन्फॉर्म कर दूं, देखिए दोस्तों, हमारी ये जो मोस्ट डिमांडिंग एसएससी मास्टर गाइड है, अब इसके साथ बिल्कुल फ्री पिछले पूरे साल की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन आपको मिल रही है। यानी कि परचेज करोगे एसएससी मास्टर गाइड को, इसके साथ बिल्कुल फ्री ये करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन आपको मिल जाएगी। इस फ्री बुक कॉम्बो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने इस मास्टर गाइड के हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो यार एसएससी के हर एक एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए फटाफट। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।